अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी हसन और हुसैन से, और ये दोनों ना बड़ी बहन के बच्चे हैं मेरे, और माशाल्लाह से ये लोग हाफिज़ा शुरू कर रहे हैं। तो ये लोग ना अभी आप लोगों को सुनाएंगे कुछ जो ये लोगों को याद है। हसन पढ़ो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. اور اب میں حسین کو بولوں گی کہ وہ بھی کچھ سنائے. حسین سناؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يقذبه بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. माशाल्लाह ये लोग ना बहुत मेहनत से मतलब हाफिज़ा शुरू करे हैं, और लास्ट का जो 30 पारा होता है ना वो कुरान शरीफ़ का, वो कंप्लीट भी हो चुका है ये लोगों का हाफिज़ा। तो आप लोग से दुआ है कि आप लोग ये लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें कि ये लोग जो छोटे छोटे ये मासूम बच्चे हैं ना, 10 साल की उम्र ही है, तो ये लोग हाफिज़ा मतलब ये लोगों का बहुत ज़्यादा शौक़ था कि ये लोग हाफिज़ा करें, और ये लोग कर भी रहे हैं। तो आप लोग से दुआ है कि दुआ करें कि ये लोग जल्द से जल्द कुरान शरीफ हिफ्ज कर ले। तो अभी हसन है ना कुछ बोलना चाहता है, बोलो। आप लोग भी हम लोग के लिए दुआ करिए कि हम लोग फटाक से कुरान हिफ्ज कर लें। हुसैन बोलो। आप लोग प्लीज दुआ कीजिएगा जल्दी हम लोग हाफिज बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। हाँ, 2 साल के अंदर इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। मेरी आंटी के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। मेरी आंटी के चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो और लाइक करो। अल्लाह हाफिज़।